हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज मेरी हालत बहुत ख़राब हो रही है, थोड़ी तबीयत ठीक नहीं लग रही है मुझे। थोड़ा ऐसा ही लग रहा है, ऐसे क्या, बहुत दिनों से यही चल रहा है, लगातार काम काम काम, तो वैसे ही रोज ही होती थकान, बट आज कुछ ज़्यादा ही ऐसा लग रहा है, क्योंकि कल तो बहुत ज़्यादा काम हो गया, घर का भी हो गया था और कहीं बाहर भी जाना पड़ा था मुझे, तो मेरे से या तो घर का सारा काम हो जाता है या फिर मेरे से बाहर का करा लो, घर का और बाहर का सब भी हो जाता है ना जब मेरी हालत ख़राब हो जाती है। तो आज मैं ज़्यादा कुछ शेयर नहीं कर पाऊँगी, बट हाँ, कल कुछ मैंने कल जो व्लॉग डाला था उसमें कुछ चीज़ें छूट गई थी, कुछ चीज़ें नहीं बताई थी मैंने आपको, वो मैं आपसे आपके साथ शेयर करूँगी। मैं आज के वीडियो में ज़्यादा कुछ तो नहीं बता पाऊँगी, बट हाँ, कल के व्लॉग में मैंने आपको जो बताया था, आई होप कि आपको बहुत पसंद आया होगा कल का व्लॉग, तो उसमें कुछ चीज़ें छूट गई थी। छूट क्या गई थी, एक्चुअली हुआ क्या था कि व्लॉग बहुत लंबा हो जाता, पहले ही बहुत लंबा हो गया था, और लंबा हो जाता अगर मैं कुछ और ऐड करती, और वो पूरा ज्वेलरी वगैरह से रिलेटेड था, तो इसलिए मैंने सोचा था कि वो नेक्स्ट मैं बता दूंगी, क्योंकि एक ही बहुत लंबा हो जाएगा और इतना कोई देखता भी नहीं है, तो इसलिए आज मैं वो आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ, तो मैं आपको दिखा देती हूँ और अब आपको बताती हूँ। ये फाइल मिली मुझे, अब ये फाइल तो ऐसे पड़ी रहती है, सामने ही पड़ी रहती है साइड में, मिली विली तो क्या बोलूँ इसको। इसमें मैंने अभी ये परसों के दिन ही लगाया है, वैक्सीनेशन कैंपेन का हमारे इधर चल रहा है, ये तो छोटे बच्चों को ये लग रहे हैं अभी, हेपेटाइटिस की वैक्सीन लग रहे हैं, बोलते पानी की खराबी से हेपेटाइटिस हो जाता है, तो ये दे के गए थे, सोना को लगवाना है ये। और उसके बाद में इसमें और क्या क्या है आपको बताती हूँ मैं, तो एक चीज़ और बताती हूँ, ये मेरा रिज्यूम है, अभी देख लीजिए आप, ये है पूनम पाराशर का रिज्यूम है। अब इसमें मैंने ना इधर की साइड से थोड़ा सा मोड़ दिया है पेज को, क्योंकि उधर पर्सनल इन्फो दी हुई थी मेरी, तो फिर मैंने उस जगह से इसलिए मोड़ दिया है। बाकी आप मेरी क्वालिफिकेशंस और मेरा एक्सपीरियंस वगैरह देख सकते हैं। और ये स्लिप्स मिली है, हमने ये राम जी का मंदिर बना रहे थे उस टाइम पे, ये दिया था हमने भी, तो ये स्लिप दी थी कुछ अमाउंट के लिए, अब अमाउंट नहीं बताऊंगी मैं आपको ज़्यादा नहीं दिया, वैसे वैसे ही जो बन पड़ा वो दे दिया था हमने। फिर इसमें ही फाइल में पीछे मुझे मेहंदी की बुक रखी हुई मिली है हालांकि मैं मेहंदी वेंदी तो लगाती नहीं हूँ, मतलब लगाती तो हूँ बट ये ऐसे उंगलियों पे ही लगा लेती हूँ, ऐसे डिज़ाइन वगैरह बनाने में बहुत टाइम लगता है, मुझे हैबिट नहीं है ना, ऐसे सीखी भी नहीं मैंने, पर मुझे ऐसे शौक से खुद ही ट्राई करती थी, थोड़ी बहुत क्रिएटिविटी तो है मेरे अंदर, थोड़ा बहुत तो बना लेती हूँ मैं, बट मुझे टाइम लगता है, अब मैं ऐसे प्रोफेशनल तो हूँ नहीं, तो बहुत अच्छी अच्छी डिज़ाइने हैं इसमें, सिंपल सिंपल सी बुक में। और ये देखिए माइक आया था मेरे ट्राईपोर्ड के साथ में, जो मैंने इसको यही संभाल के तो रखा है, बट कोई काम का नहीं है, कोई दम वाली बात नहीं है इस माइक में, कुछ भी नहीं था ये तो फालतू। इसके बाद में ये जब मैं ना ऐसे फालतू के कामों में फंसी हुई थी ना वो क्या बोलते हैं यार, अब तो मैं उनका नाम तक भूल गई, कंपनियां जो चलती है ना, वो नेटवर्क मार्केटिंग कंपनीज, जब मैं कंपनियों के चक्कर में फंसी थी ना कि प्रोडक्ट्स लीजिए और प्रोडक्ट्स लेने के लिए मेंबर्स बनाए, खुद भी प्रोडक्ट्स ले और मेंबर्स वगैरह बनाए, हालांकि कुछ नहीं होता, कोई मेंबर्स नहीं बनता, हम बन जाते हैं, हम खर्चा कर देते वही बहुत है। तब एक कंपनी से मुझे बहुत सारी एंटी रेडिएशन चिप मिली थी मोबाइल की, जो मैंने तो मेरे फ़ोन पे लगा दी, बाकी मेरे हस्बैंड ने भी नहीं लगाई, और मेरी भी जो लगाई हुई थी उन्होंने हटा दी, अब ये फालतू पड़ी हुई है। मैंने बेचने की भी कोशिश की मैंने शॉप पे, बट ये बिक भी नहीं रही है, तो ऐसे फालतू चीज़ें भी जमा है मेरे पास में, अगर किसी को चाहिए तो बोलिएगा। और आज के लिए बस इतना ही, बाय फ्रेंड्स।